हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। दोस्तों लेकर आया हूँ आपके लिए फ्रेश कमाल एंड नई नई अपडेट्स एंड लेकर आया हूँ आपके लिए दोस्तों टेक न्यूज। तो बने रहिए आज की वीडियो बीच में। तो मेरा नाम नितिन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेमेंट। तो चलो आज की इसी धमाका अपडेट्स को स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसे आप जान चुके हैं हर वीडियो में आपके लिए मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो भाई लेकर आता हूँ। बट यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले नंबर के बीच में हुआई मेट 5 दोस्तों यहाँ पर अपना फोन लॉन्च करने वाला है, जिसका यहाँ पर लीक्स निकलकर सामने आई। इस फोन का दोस्तों डिजाइन इन्होंने शो कर दिया। तो बैक की लुक के बीच में दो तगड़े तगड़े कैमरे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसका ओनली एक डिज़ाइन यहाँ पर ब्लैक कलर के बीच में इसका बैक का डिज़ाइन शो कर दिया, वो भी वाई मेट 5 की। यहाँ पर दोस्तों केस इसका जो होने वाला है, मीन्स की जो बैक का लुक का केस होने वाला है वो कैसा होने वाला है, इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा। ब्लैक कलर के बीच में यहाँ पर इसकी लुक आ गई है। तो देखते हैं इस फोन के बीच में हमें कौन से नए नए फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए इस फोन के बारे में इतनी नॉलेज तो है नहीं, बस इसका ओनली एक डिज़ाइन यहाँ पर शो किया गया है। गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया और थैंक यू सो मच, वो भी मोटरोला की तरफ से, वो भी सभी लोग जिन्होंने इस फ़ोन को इतना ज़्यादा पसंद किया, इस फ़ोन को। तो ये फ़ोन दोस्तों इतना ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया कि इस फ़ोन की दोस्तों जो सेल है, पहले इन्होंने लेट करनी थी लेकिन अब जल्दी ये इसकी सेल स्टार्ट कर रहे हैं। इसी 15 दिसंबर को इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है। तो इसकी दोस्तों सेल के बीच में कौन कौन लोग हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नाम लिखना कि मैं इस फ़ोन को बाय करने के बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, इस फ़ोन को बाय करने के लिए। तो दोस्तों इस फ़ोन को बाय ज़रूर करना, ये फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एंड आपको 13,000 रुपीज़ के बीच में बेस्ट आपको ये वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी लॉन्च करने वाली है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। ये दोस्तों नए वेरिएंट के बीच में ये S21 को एक नए वेरिएंट में दोस्तों करने वाली है सैमसंग गैलेक्सी लॉन्च। तो इस फोन के बीच में दोस्तों क्या क्या चीजें हमें देखने को दोस्तों मिलती है, ये एक नया गाइस डिजाइन इन्होंने शो किया है। फिर फुल लिस्ट इन्होंने दोस्तों पूरी लिस्ट यहाँ पर शो कर दिया है। 100 HZ की रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला ये स्मार्टफोन, तो पूरी फुल HD+ के साथ रेजोल्यूशन के साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी का कैमरा और 256 GB की यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाला ये स्मार्टफोन और 25W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट हमें देखने को मिल जाती है, वो भी इसी फोन के बीच में। तो ये फोन दोस्तों अगर इसका डिज़ाइन देखोगे तो यहाँ पर 5 होल के साथ बैक के लुक के बीच में 3 कैमरेज के साथ हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये स्मार्टफोन दोस्तों देखते हैं यार कब हमें देखने को मिलते हैं स्मार्टफोन। तो इस फ़ोन का दोस्तों प्राइस तो बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो फिलहाल के लिए अभी तक तो यार इसका प्राइस पता नहीं चला, बस इसकी यहाँ पर एक लुक शो किया है तो आप देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों एप्पल अपना एक AR हैंडसेट लॉन्च करने वाला है जो हम अपनी आंखों के ऊपर दोस्तों लगाएंगे। तो आपको मैंने पहले भी बताया, बट यार इस के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला, बट इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार इसको दोबारा कवर करते हैं इसी न्यूज़ को। तो ज़्यादा लोगों ने इसको दोस्तों नहीं देखा, बट ये वाला आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके बीच में कैमरेज भी लगे हुए हैं, आपको बहुत तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसका जब लॉन्च होगा तो आपको दोस्तों लुक भी दिखाएंगे एंड पूरा यहाँ पर आपको रिव्यू भी करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों वीवो कंपनी भी अपना स्मार्टफोन एक नया लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है वीवो S12। और ये दोस्तों डायमेंसिटी 1200 के साथ हमें देखने को मिलेगा। जैसे में रियलमी X7 Max के बीच में हमें देखने को मिला था डायमेंसिटी डायमेंसिटी 1200। तो जिसकी वजह से हमने गेमिंग का मजा उठाया था BGMI का, वो भी 90 FPS के बीच में है। तो इस फोन के बीच में 90 FPS जरूर आएंगे। और साथ में दोस्तों इस फोन का जो प्राइस होने वाला है 26,000 नहीं होने वाला, बहुत कम प्राइस होने वाला है। तो कम प्राइस के बीच में आपको ये फोन सरप्राइज दिया है। तो आपको ये वाला फोन दोस्तों कम प्राइस के बीच में देखने को मिलेगा डायमेंसिटी 1200 का। यहाँ पर दोस्तों टेक्नो कंपनी में अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले है जिसका नाम है टेक्नो नियो। तो दोस्तों टेक्नो के स्मार्टफोन लोग ज्यादातर पसंद नहीं करते क्योंकि यार टेक्नो के फोन के बीच में थोड़ी बहुत लैग हमें गेमिंग के मामले में देखने को मिल जाती है। बट अब ये वाली सारी की सारी प्रॉब्लम्स फिक्स कर दी गई हैं और लैग होने की तो बात बिल्कुल भी है ही नहीं। और ये वाला फोन दोस्तों बहुत ही ज्यादा बिग बैटरी के साथ दोस्तों लॉन्च होने वाला है। तो बिग बैटरी इसलिए क्योंकि इस फोन के बीच हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये फोन की डिमांड मार्केट के बीच में बहुत ही ज़्यादा अब आने वाली है। और मार्केट के बीच में दोस्तों बहुत सारे लोग ऑफलाइन इस फोन को बाय करने वाले हैं एंड सेल दोस्तों बहुत ही तगड़ी इसकी होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इस फोन के बीच में दोस्तों आपको तगड़े तगड़े फीचर्स मिल जाते हैं, वो भी इतने कम प्राइस के बीच में। तो यहाँ पर मेन चीज़ है दोस्तों 100 HZ की रिफ्रेश रेट मिलती है, मीन्स की आप 120 FPS के बीच BGMI खेल सकते हो एंड और भी गेम्स जो FPS अगर देखना चाहते हो तो आप खेल सकते हो। तो ये बहुत ही तगड़ा आपको फीचर्स इसके बीच में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों Amazone की तरफ से बहुत ही बैड न्यूज है, बट 1.13 बिलियन यूरो का उनको लगा है दोस्तों वो भी फाइन। वो फाइन क्यों लगा? क्योंकि यार इस कंपनी ने यहाँ पर मेन दोस्तों बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे और प्रमोट एंड थर्ड पार्टी जो दोस्तों वेबसाइट्स थी उसको प्रमोट किया गया, जिसकी वजह से Amazon को लगी 1.13 बिलियन की दोस्तों यहाँ पर लगा फाइन, तो जिसकी वजह से Amazon अब बहुत घाटे के बीच में चला। तो ऐसे दोस्तों काम यार करने नहीं चाहिए। अभी भी अगर कोई हमने काम करना है तो यार हमेशा ईमानदारी के साथ करो, और जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो ईमानदारी से दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ, रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ तो मेहनत कर रहा हूँ, तो यार मेहनत करो। तो ऐसी बेवकूफ़ी की दोस्तों काम तो करने नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हमें अपनी लाइफ के बीच में दिक्कत आए। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका सामना करना चाहिए, वो भी अच्छे काम के लिए, ना कि बुरे काम के लिए। मेहनत करनी चाहिए, अच्छे काम के लिए मेहनत करोगे जिंदगी में जरूर आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के पीछे जो अपडेट्स मैंने बताई उन सभी के पीछे दोस्तों स्मार्टफोन कौन सा बढ़िया लगा, तो एप्पल के वीआर के लिए कौन कौन लोग एक्साइटेड है, मेन चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो भी मुझे। तो आपको दोस्तों क्या अच्छा लगा इस वीडियो के बीच में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बता देना। तो आज की वीडियो के बीच में बस इतना ही, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टेक न्यूज़ के बीच में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को दोस्तों वॉच कीजिए। तो चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।